महंगाई के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी टीकमगढ़ कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। जिला संयुक्त कार्यालय के सामने जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने महंगाई के विरोध में महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम एक सामूहिक रूप से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अध्यक्ष महेश यादव और पूर्व आबकारी मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला सहित कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। आज आप लोगों ने जो आवेदन दिया है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश थे कि जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के विरोध में आज सारे जिला मुख्यालयों पर जहाँ जहाँ पर भी कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष हैं, ऐसे करीब 90 स्थानों पर आज ज्ञापन देने का कार्यक्रम कमलनाथ जी के नेतृत्व में हुआ है। यहाँ पर भी हमने ज्ञापन दिया है कि महंगाई कम करें, पेगासस जासूसी मामले के ऊपर, जो न्याय योजना है उसके ऊपर, महंगाई के ऊपर, युवाओं की नौकरी, बेरोजगार लड़कों के लिए, ऐसे 9-10 मुद्दे हैं जिनके ऊपर आज हमने ज्ञापन दिया है। और कोविड के मरीजों को जिनकी मौत हो गई उन्हें मुआवजा देने के लिए जो कांग्रेस की मांग है उसके ऊपर, या अगर इनके पास कोई लिस्ट नहीं है कोविड से मरने वालों की, तो हमारा ये अनुरोध है कि कोविड के दौरान जो भी मौत हुई चाहे जिस भी कारण से हुई है, उन सबको जो है 4.5-5 लाख रुपये तक का मुआवजा जो है सरकार, सुप्रीम कोर्ट की भी यही मंशा है। इसके पहले भी बहुत आंदोलन हुए हैं महंगाई को लेकर, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुआ, किसी प्रकार का निर्णय निकला, क्या कारण है, किसको मान? देखो यार, हम विरोधी दल के लोग हैं, हम लोग जो है अपनी बात उनके पास तक पहुंचाते हैं, उन्हें सुनना नहीं सुनना वो उनकी बात है। वो तो पहले ही दिन, जैसे अपन भ्रम में हैं, वो तो पहले दिन ये कह के आया था कि जिस दिन हम सब बेच देंगे तो झूला उठा के चल देंगे, तो वो तो झूला उठा के जाना ही है उसको, लेकिन अपन की समझ में नहीं आ रही, अपन समझ जाए तो अच्छी बात है। दादा, अपने यहाँ डेंगू के मरीज दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इसके लिए क्या करेंगे? आज हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता रामनगर के एक रामदास अहरवार है, उनका बच्चा केवल इसलिए मर गया कि ऑक्सीजन के केवल 21 पॉइंट हैं, और वो बच्चा जो है पिछले कई दिनों से ऑक्सीजन पे था, उसको हटा दिया और दूसरे लोगों को जिनकी सिफारिश थी उन्हें ऑक्सीजन दे दी, उसके कारण उस बच्चे की मौत हो गई, बहुत छोटा बच्चा। तो मैं समझता हूँ कि जो ऑक्सीजन प्लांट का श्रेय ले रहे हैं उसमें केवल ऑक्सीजन प्लांट में केवल 21 पॉइंट हैं, और 21 पॉइंट इतने अपर्याप्त हैं, ये 300 बिस्तर की बात कर रहे हैं। अच्छा होता कि ऑक्सीजन के पॉइंट बढ़ा देते, अपने पास बिस्तर तो बहुत है, 200 बिस्तर तो अर्जुन सिंह ही बना के चले गए थे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।